चिंता ने चिता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुर्दों को जलाती हो और मैं जिंदा इंसानों को। इस दुनिया में हर किसी को किसी न किसी चीज की चिंता जरूर होती है। अमीर को शान की, कायर को जान की, मुसाफिर को सामान की, बड़ों को सम्मान की, स्टूडेंट्स को इम्तिहान की और व्यापारी को नुकसान की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर केवल चिंता करने से ही सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है तो ये चिंता बुरी चीज क्यों है? ये बुरी चीज इसलिए है क्योंकि इससे कोई समाधान नहीं मिलता, बल्कि आने वाले समय की बुरी कल्पना से आपके दिल में ये चिंता डर भर देती है। किसी ने क्या खूब कहा है, कष्ट उतना कष्टकारी नहीं होता जितनी उसकी चिंता कष्टकारी होती है। हमेशा ये बात याद रखिए, चिंता और तनाव पक्षियों की तरह होते हैं जिन्हें हम अपने आसपास उड़ने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन अपने मन में घरौंदा बनाने से जरूर रोक सकते हैं। अरे इस बात की चिंता छोड़ो कि कौन तुम्हें दुख पहुंचाता है, कौन तुम्हें नफरत करता है, बल्कि इस बात पर ध्यान लगाओ कि कौन तुम्हें प्यार करता है और कौन तुम्हारा भला चाहता है। इस दुनिया की चिंता करना छोड़ दो। याद रखो, ये दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। जब तक आपसे मतलब निकल रहा है, ये केवल तब तक ही आपको याद रखेगी। इसलिए किसी और इंसान के चक्कर में अपनी जिंदगी के आनंद को कभी नहीं खोना चाहिए। जो लोग चिंता से लड़ना नहीं जानते वो जवानी में ही मर जाते हैं। इसलिए चिंता उतनी ही करो कि काम हो जाए, ना कि काम तमाम हो जाए। याद रखें, जरूरत से ज्यादा सोचना और चिंता करना किसी समस्या का समाधान है ही नहीं। जब भी चिंता हो तो ये सोचो कि अगर इस समस्या का समाधान है तो चिंता करने से क्या फायदा, उस समाधान पर कार्य करना चाहिए। और अगर इस समस्या का कोई समाधान है ही नहीं तब भी चिंता करने से क्या फायदा, क्योंकि जब कोई समाधान ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। हालांकि इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या होती ही नहीं जिसका कोई समाधान ना हो, किंतु दोनों ही स्थिति में चिंता कोई समाधान नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों, जिंदगी के दो प्रबल शत्रु होते हैं, क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है और चिंता से मनोबल का नाश हो जाता है। क्रोध वो स्थिति है जब इंसान की जबान उसके मन से ज्यादा तेजी से काम करती है, और चिंता वो स्थिति है जब इंसान का हृदय उसके मन से ज्यादा तेजी से काम करता है। मनुष्य का हृदय बड़ा ही कमजोर होता है, छोटी छोटी बातों पर दुखी जाता है, छोटी छोटी परेशानियों से डर जाता है, छोटी छोटी समस्याओं से हार जाता है, और चिंता के समय ये आपके ऊपर हावी हो जाता है। इसीलिए सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ बैठोगे वही सिंहासन बन जाएगा। आने वाले कल की चिंता नहीं बल्कि उसके लिए उत्सुकता होनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने वाला इंसान पल पल जलता है, पल पल मरता है। इसीलिए उन चीजों की चिंता करना छोड़ दो जो आपके वश में है ही नहीं। अरे क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुमको समझ नहीं पाते? याद रखो, हर कोई इतना समझदार नहीं होता। क्यों चिंता करते हो अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया? हर किसी की किस्मत में अच्छे लोग नहीं होते। क्यों चिंता करते हो अगर कोई तुम्हें नुकसान होने वाला है? याद रखो, आज नुकसान तो कल फायदा भी होगा। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। ज्यादा लालच ना करते हुए संतोष के साथ, समझदारी के साथ अगर आप जीवन व्यतीत करेंगे तो कोई भी परेशानी आपको विचलित नहीं कर पाएगी। किसी भी चीज को हद से ज्यादा प्रेम करोगे तो वो दुख ही देगी। इसलिए केवल अपने आप से प्रेम करो, चिंता करके अपने आप को खत्म मत करो। ये इंसान की फितरत ही अजीब है, उसे हमेशा गिला है कि उसे कम मिला है। अरे जरा नजर उठाकर देखो, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। जिंदगी में थोड़ी नादानी भी जरूरी है, क्योंकि नादान इंसान ही जिंदगी का असली आनंद लेता है। जरूरत से ज्यादा होशियार इंसान हमेशा उलझा रहता है। दोस्तों, कोई हमारी थोड़ी सी तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, थोड़ी सी बुराई कर दे तो हमारे दिल पे ठेस लग जाती है। जिंदगी में कुछ अच्छा हो तो हम फूले नहीं समाते, जरा सा बुरा हो जाए तो हम चिंता में डूब जाते हैं। हमारा यही स्वभाव हमारी सबसे बड़ी कमी है। ऐसा ही